पराठा जो आप देखोगे थोड़ा सा आपको कुरकुरा टाइप देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर ये देख सकते हो आपको, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे खस्ता मतलब ज़्यादा या पड़ गया या फिर आप लोग को ऐसा कुछ बोल सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा तेल भी देखने को मिलेगा। और ये वाला चीज़ देख सकते हो आप लोग, इसे बोला जाता है मेवा। एंड ये जो इसे खोई का पाग दे करके इसे बनाया जाता है, ये देखो आप लोग ये पूरा। हेलो गाइस, मेरा नाम दीपू डिसूजा है, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज जो हम लोग बारा नगर पुलिस स्टेशन के यहाँ पर आ चुके हैं। एंड यहाँ पर जस्ट एक सामने ही में अंकल का जो पराठा का दुकान है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और इनके दुकान के बारे में हम लोग काफ़ी सुना है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं अंकल जो है पराठा बना रहे हैं और यहाँ पर मैं आप लोग को ट्राई करके दिखाने वाला हूँ कि इनका जो पराठा है वो कैसा बनाते हैं और कितना मस्त बनाते हैं। तो चलो चलते हैं एंड ट्राई करके मैं दिखाता हूँ आप लोग। देख सकते हो आप लोग कि हम लोगों ने यहाँ पर पराठा ले चुका हूँ और यहाँ पर आप लोग सब्जी देख सकते हो, सब्जी जो है वो आलू दम का आप लोगों को देखने को मिलेगा और यहाँ पर सामने में एक अंडा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि इसके साथ देख के तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड इसे हम लोग ट्राई करते हैं। यहाँ पर आपको सब्जी जो है यहाँ पर थोड़ा सा मतलब अच्छा देखने को मिलेगा पराठा के मुकाबले। पराठा जो आप देखोगे थोड़ा सा आपको कुरकुरा टाइप देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर ये देख सकते हो आपको, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे खस्ता मतलब ज़्यादा या पड़ गया या फिर आप लोग को ऐसा कुछ बोल सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा तेल भी देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी अगर हम लोग इसके सब्जी के साथ अगर हम लोग ट्राई करें तो बहुत टेस्टी देखने को मिलेगा। थोड़ा सा सब्जी जो है आपको थोड़ा सा मीठा देखने को मिलेगा और सब बता रहा हूँ टेस्ट तो काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि आलू दम है भाई। आलू दम के साथ अगर कोई भी चीज़ काफ़ी मस्त लगता है मुझे, क्योंकि इसके साथ एक थोड़ा सा कच्चा मिर्चा होता है ना तो और मज़ा आ जाता है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना नमकीन चीज़ या ऐसी चीज़ों के साथ थोड़ा सा एक मिर्चा खाने में ना मज़ा ही आ जाता है। एंड यहाँ पर लेकिन आलू दम के साथ ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से आलू दम के अलावा अगर कोई शायद कोई और सब्जी होता तो उतना अच्छा नहीं लगता। गाइस यहाँ पर हम लोग खा ही चुके हैं ऑलमोस्ट एंड यहाँ पर लास्ट ड्रिंक खत्म करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अंकल के दुकान पे तो है, अब अंकल से हम लोग पूछ लेते हैं कि एक्चुअली इनके दुकान जो है वो कब से है और इनका दुकान यहाँ पर कैसा चलता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पूछ लेते हैं। तो अंकल आपका दुकान यहाँ पर कब से है? यहाँ पर 37 ईयर। तो यहाँ पर हम लोग पराठा खा चुके हैं एंड टेस्ट की बात करें तो बहुत मस्त टेस्ट था और अंकल की दुकान यहाँ पर सामने है। अगर आप लोग कभी बारा नगर पुलिस स्टेशन के यहाँ पर अभी आते हो तो इनका पराठा जो जरूर ट्राई करना और यहाँ पर आप लोग दुकान देख सकते हो अंकल का और बहुत ही अच्छा टेस्ट था। अभी हम लोग जो है बिल पे कर देते हैं एंड यहाँ से आगे चलते हैं आगे। तो गाइज यहाँ पर बारा नगर में जो मिठाई की दुकान भी बहुत ज़्यादा फेमस देखने को मिलेंगी, ये देख सकते हो मेरे सामने, यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ। एंड यह मेवा है और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ का काफ़ी ज़्यादा फेमस देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ भी हम लोग ट्राई करके देखते हैं। एंड यहाँ पर आप लोग दुकानें देख सकते हो, ये सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को फेमस दुकानें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला दो पीस लिया है और ये वाला है और यहाँ पर ये भी वाला हम लोगों ने दिया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ट्राई करके देखने वाले कि कैसा है। तो यहाँ पर हम लोग ने सारी मिठाइयाँ ले चुकी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये देख सकते हो आप लोग, ये सारी की सारी हम लोगों ने लिया है, ये दो पीस और ये हम लोगों ने 100 लिया है। एंड इसे बनाया कैसे जाता है ये मैं आप लोगों को बता दूँ, इसे गुड़ का जो यहाँ पर पेस्ट होता है उसमें डाल करके इसे बनाया जाता है। काफ़ी मस्त लग रहा है ये खाने में, मज़ा आ रहा है। और ये वाला चीज़ देख सकते हो आप लोग, इसे बोला जाता है मेवा। एंड ये जो है इसे खोई का पाग दे करके इसे बनाया जाता है, ये देखो आप लोग, ये पूरा तरह से लजीज मिलेगा और इसे काफ़ी मस्त लगा ये खाने, खा करके मैं दिखाता हूँ। ये मतलब थोड़ा सा आपको ना
वो इसका टाइप तो है ही, लेकिन इसके साथ आपको थोड़ा सा सोन सोन का जो गंध मिलेगा ना वो मज़ा आ जाता है भाई। ये देखो ये एक्चुअली सच बताऊँ जिसे ये बंगाली रेसिपी में आता है, इससे बंगाली लोग काफ़ी ज़्यादा ट्राई करते हैं ये वाला जूम। आप लोगों को मैं बेसिकली बता दूँ ये सारी जो मिठाइयाँ है ये बारा नगर में जो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पर जितनी भी आप लोग दुकान देख रहे हो ना यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस यही सारी चीज़ें हैं। और ये मेवा जो है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, खा लेते पहले। ये वाला जो मिठाई है ट्राई करते पहले, इसमें जो है आपको थोड़ा सा नारियल का टेस्ट देखने को मिलेगा। अब देखो इस मिठाई के बारे में मुझे उतना तो नॉलेज नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, बस इतना बता सकता हूँ खाने में मज़ा आ रहा है और टेस्ट काफ़ी मस्त है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि सारी की सारी मिठाइयाँ जो है ये सब बंगाली ही मिठाई है, बंगाली रेसिपी का है, इसलिए मुझे थोड़ा उतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में, काफ़ी मस्त है। अब देखो इन सब सारी चीज़ों में मुझे ना सबसे फेवरेट ये लगा है, ये खा के मज़ा ही आ गया भाई, पूरा पूरी तरह से आपको बादाम देखने को मिलेगा, एकदम लजीज मस्त। तो गाइस यहाँ पर कुछ मिठाइयाँ बच गई है जो कि मैं इसे घर लेके जाऊँगा, एंड यही सारी चीज़ें मुझे आप लोगों को दिखानी थी कि बारा नगर का कुछ कुछ चीज़ें, बारा नगर का जो फेमस है वो है मिठाइयाँ हैं, पराठा है, ये सारी चीज़ें फेमस है और ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को दिखाया। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोल दिया हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दो यार। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय।